भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक राजधानी लखनऊ के प्रदेश मुख्यालय पर हुई। ऐसे बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के यूपी चीफ भूपेंद्र चौधरी ने की। बैठक में संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहे। इस बैठक में यूपी के 3 स्नातक और 2 शिक्षक एमएलसी सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने का मंथन किया गया। बैठक में प्रदेश के 39 जिलों के विधायक, सांसद, पार्टी नेता और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। जानकारी अनुसार इस बैठक में पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चुनाव संबंधी दायित्वों का बंटवारा किया गया। साथ ही एमएलसी चुनावों में वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए उनसे संपर्क करने के बारे में भी निर्देश दिए गए। क्षेत्र की 3 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों के लिए विधान परिषद का चुनाव 30 तारीख को होना, ऐसी 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों का चुनाव होना है, कानपुर उन्नाव और प्रयागराज झांसी। भारतीय जनता पार्टी ने हमने अपने कार्यकर्ताओं को कार्य का विभाजन किया है और जिन कार्यकर्ताओं को इस चुनाव में लगाया है उनकी आज हम लोगों ने बैठक की है। हमने पूरा अपना रोड मैप 30 तारीख तक का, मतदान के दिन तक का हम लोगों ने बनाया है। वैज्ञानिक रूप से और बहुत ही एक संवैधानिक रूप से चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें पकड़े तुम, छोड़ दो, तुम छोड़ दो बाबू, संपर्क ज्यादा ध्यान देंगे, शिक्षकों के मुद्दे पर बात होगी, उनके सम्मेलन किए जाएंगे। और व्यक्तिगत बात सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी पार्टी इसमें बहुत सक्रियता से जुटेगी। भारतीय जनता पार्टी को 5 की 5 सीटें जीतनी है और उसके लिए क्या एक वॉर फुटिंग पे वॉर की तरह तैयारी होनी है और हम लोग ये चुनाव जीतेंगे, इसी पे एक गंभीर चर्चा हुई।